और इस ट्रेन के लिए मौजूदा बजट में 12 अरब रुपए 96 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं, जबकि 15 अरब रुपए से ज्यादा की रकम आइंदा माली साल में डाल दी गई है। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैन, बताइएगा ऑरेंज लाइन पटरी पर दौड़ेगी या नहीं? गुजरात सरकार ने आज बजट 2019-20 पेश कर दिया है, तो इस सिलसिले में जो शहर लाहौर का मेगा प्रोजेक्ट ऑरेंज ट्रेन है उसके ऊपर कोई खातर ख्वाह जो रकम है वो मुख्तस नहीं की गई, जबकि इस जो मेगा प्रोजेक्ट जो के बैरूनी जो फंड है उससे ये बनाया जा रहा है, उसके जो फंड्स हैं वो 2019-20 के साथ साथ 2020-21 के सालाना तरक्याती प्रोग्राम में भी शामिल कर दिए गए हैं। इस सिलसिले में जो लाहौर न्यूज़ को दस्तावेजात मौसूल हुई हैं उसमें ये चीज़ सामने आई है कि बजट 2019-20 में मेट्रो ऑरेंज ट्रेन के लिए 12 अरब 96 करोड़ 60 लाख रुपये की जो रकम है वो मुख्तस की गई है, जबकि दूसरी जानिब देखा जाए तो बजट 2020-21 का जो सालाना तरक्याती प्रोग्राम जो कि 3 साल का तैयार किया जाता है और ये इस बजट में वो तैयार किया गया है, उसमें जो रवा माली साल है उससे भी ज़्यादा रकम मुख्तस कर दी गई है। इस तरह बजट 2020-21 के सालाना तरक्याती प्रोग्राम में मेट्रो ऑरेंज ट्रेन के लिए जो 15 अरब रुपये से ज़ायद की जो रकम है वो मुख्तस कर दी गई है। तो बजट खदुखाल के हवाले से देखा जाए तो रवा माली साल में जो मेट्रो ऑरेंज ट्रेन के सिविल वर्क के ऊपर जो पैसे खर्च किए जाएंगे वो 8 अरब 83 करोड़ रुपये है, जिससे बाकी मानदा जो स्टेशन पर तामीराती काम है इसके अलावा जो मेट्रो ऑरेंज ट्रेन के जो वहाँ पर स्ट्रक्चर का काम है वो मुकम्मल किया जाएगा। पैकेज 4 जो डिपो है उस हवाले से बात की जाए तो डिपो की लैंड एक्विजिशन के लिए 46 करोड़ 99 लाख रुपए के फंड्स मुख्तस कर दिए गए हैं। बिजली की तरसील और ग्रिड का काम मुकम्मल करने के लिए भी 1 अरब 95 करोड़ रुपए की रकम मुख्तस की गई है। इस 1 अरब 95 करोड़ के रुपए की रकम से मुल्तान रोड के ऊपर और जीटी रोड के ऊपर 2 ग्रिड स्टेशन मुकम्मल किए जाएंगे, जिसके ज़रिए मेट्रो ऑरेंज ट्रेन को जो बिजली की सप्लाई है वो फराहम की जाएगी। इसके अलावा ठेकेदारों को अदायगियों के हवाले से देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट में भी ये अहकाम जारी किए गए थे कि जिन ठेकेदारों को अभी तक अदायगियाँ नहीं की गई उनको अदायगियाँ की जाए, तो LDA रिकॉर्ड के मुताबिक मौजूदा सूरत हाल में तकरीबन 8 अरब रुपये की जो अदायगियाँ हैं वो ऑरेंज ट्रेन पर काम करने वाले ठेकेदारों को की जानी हैं, मगर इसके बावजूद जो रवा माली साल का बजट आया है 2019-20 का उसमें सिर्फ 5 करोड़ रुपये की जो रकम है वो मुख्तस की गई है, यानी 8 अरब रुपये की अदायगियाँ करनी है लेकिन 50 करोड़ रुपये की रकम मुख्तस की गई है। इस तरह 7 अरब 50 करोड़ रुपये का रवा माली साल में भी LDA ठेकेदारों का डिफाल्टर रहेगा। ताहम इस बजट के ऊपर नज़र डाली जाए तो इस तरह के इम्कान सामने नज़र आना शुरू हो गए हैं कि रवा माली साल में भी मेट्रो ऑरेंज ट्रेन मनसूबा मुकम्मल नहीं हो पाएगा और आइंदा माली साल में दोबारा से इसके लिए जो 15 अरब रुपये के फ़ंड मुख्तस किए गए हैं उसको मुकम्मल करके ये जो मनसूबा है ये 2020-21 में जाकर मुकम्मल होने के इम्कान नज़र आ रहे हैं। शुक्रिया।